हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार करता हूँ आप सभी का स्वागत इस नई वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि हम थंबनेल में देख लियो कि इसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो गाइस, हम बात करने वाले हैं एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है एफएफ इमोट्स करके आपके सामने आ रहा होगा। एफएफ इमोट्स स्क्रीन और बैटल कुछ यहाँ पे या फिर टूल्स करके मतलब ये आ रहा होगा, जिससे कि लोगो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, कि एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है और एप्लीकेशन में क्या क्या सारी चीजें दी गई है यहाँ पे हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम अपने मोबाइल फोन का जो स्क्रीन है यहाँ पे साइड में ओपन कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में बहुत ही आसानी पड़े। स्क्रीन हमारी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो जैसे आप लोग इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे ना, कुछ इस तरह की इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू विथ ऐप पे क्लिक कर देना, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्टेप कुछ दे दिया गया है, आप लोग चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हो। उसके बाद लेट्स स्टार्ट पे क्लिक कर देना। जैसे लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। मतलब कि आप लोग देखो यहाँ पे जैसे आप लोग लेट्स स्टार्ट पे क्लिक कर रहे हो ना, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आपको लेकर आ रहा है कहाँ पे, क्रोम ब्राउजर में। मतलब कि यहाँ पे कोई इमोट्स वगैरह आपको नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप लोग क्वेश्चंस करो, जैसे कि दो क्वेश्चंस हमें देखने को मिला है। उसके बाद मान के चलो कि हम दो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आप लोग देखो हमें बोल रहा है कि आप 100 कॉइन्स यहाँ पे रिवॉर्ड जो है ना आप लोग यहाँ पे जीत चुके हैं। तो क्लेम पे आप लोग क्लिक कर देना। जैसे क्लेम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऐड आएगा, इस ऐड को आपको कट करना होगा यहाँ से। तो कट करने के बाद यहाँ पे देखो 100 कॉइन्स यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बोल रहा है प्ले क्विज, तो आपको प्ले क्विज करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग बहुत ही आसान से इस यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। उसके बाद कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पे कैटेगरी की अलग अलग चीजें है। उसके बाद अपना यहाँ पे प्रोफाइल देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और गाइज यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कोई इमोट्स वगैरह की, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कोई भी इमोट्स वगैरह गाइज नहीं है। मैं एप्लीकेशन के अंदर ही हूँ पर ये कुछ अलग ही यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पे जो इमोट्स वगैरह आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कोई इमोट्स वगैरह नहीं है, ये आपको केवल क्रोम के अंदर ले जा रहा है और एक क्विज आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जब आप बाहर आओगे ना तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा नॉर्मल इमोट्स और यहाँ पे रेयर इमोट्स और यहाँ पे वॉलपेपर्स। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस एप्लीकेशन में ना आप लोग यहाँ पे नॉर्मल इमोट्स पे आप लोग अगर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस हो रहा था। मतलब कि डायरेक्टली ये अंदर आपको भेज दे रहा है, जैसे कि मतलब कि एप्लीकेशन के भीतर से मतलब कि वो आपको क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे ट्रांसफर कर दे रहा है। तो जो भी ये एप्लीकेशन की सच्चाई है आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ देख चुके हैं। तो गाइस अगर फिर भी कोई डाउट रियलिटी कुछ भी रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं वहां पर आपको रिप्लाई दे दूंगा। और ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है तो आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में आकर यहाँ पे आपको सर्च कर लेना इस एप्लीकेशन को, आपको रिव्यू पढ़कर पता चल जाएगा ना कि ये एप्लीकेशन कैसी है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ऐसी एप्लीकेशन में आपको ज्यादातर देखने को मिल ही गया होगा कि एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है। डायरेक्ट यहाँ पे कोई इमोट्स वगैरह नहीं दिया गया है, केवल ये एप्लीकेशन क्रोम में ओपन हो रही है और वहां पे क्विज वगैरह आपको देखने को मिल रहा होगा। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पे इमोट्स वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, जैसे कि आपने लाइव प्रूफ यहाँ पे देखने को मिल गया होगा। तो गाइस अगर फिर भी कोई डाउट रहता है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप लोग पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है ना आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बिल की घंटी भी दबा लो ताकि आपके पास नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन जो है ना हमेशा मिलती रहे। और मित्र से न्यू वीडियो के साथ, अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।